हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेथ मशीन के बारे में देखेंगे, यानी कि खराद मशीन। और ये आपके बीटेक मैकेनिकल स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक मैकेनिकल स्टूडेंट्स, आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये टॉपिक आप मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, एलिमेंट्री वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। मेरा नाम आदित्य प्रकाश। तो फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो इस वीडियो में लेथ मशीन के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसका लेथ मशीन की डेफिनेशन देखेंगे, प्रिंसिपल देखेंगे इसका, यानी कि कार्य करने का जो सिद्धांत है उसको देखेंगे हम, ऑपरेशन देखेंगे यानी कि इस पर क्या क्या ऑपरेशन किए जाते हैं लेथ मशीन पर, टूल्स देखेंगे क्या क्या टूल्स यूज़ किए जाते हैं, पार्ट्स देखेंगे लेथ मशीन्स के हम, और टाइप्स देखेंगे कि लेथ मशीन्स के कितने प्रकार के होते हैं आपकी, चक देखेंगे, चक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, टाइप्स ऑफ चक्स देखेंगे यानी कि जो चक हैं वो कितने प्रकार के होते हैं आपके, फिर इसके पैरामीटर्स देखेंगे यानी कि कुछ इसके पैरामीटर्स होते हैं जो लेथ मशीन में काफ़ी यूज़फुल होते हैं वर्क करने के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं लेथ मशीन। ठीक है, तो ये देखिए आपके सामने लेथ मशीन है, ये लेथ मशीन इस प्रकार से दिखती है आपके। ठीक है, तो ये इतना पोर्शन जो है ये आपका कहलाता है हेड स्टॉक, ये इतना पोर्शन क्या कहलाया जाता है टेल स्टॉक। ठीक है, और ये क्या है आपका कैरिज, इस पर क्या होता है आपका टूल पोस्ट लगा हुआ होता है, एप्रॉन होता है, सैडल होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। और ये नीचे इसकी लेग्स होती हैं। ठीक है, ये क्या है आपका टूल पोस्ट, यहाँ पर हम टूल को लगाते हैं, ये आपका चक है जिसमें हम वर्क पीस को होल्ड करते हैं, और ये आपका क्या है वर्क पीस यानी ये कार्यखंड है आपका। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसका टर्निंग प्रोसेस। तो लेथ मशीन को स्टार्ट करने से पहले टर्निंग ऑपरेशन में देखना ज़रूरी है कि टर्निंग ऑपरेशन होता क्या है। तो टर्निंग इज़ अ मशीनिंग ऑपरेशन फॉर जनरेटिंग एक्सटर्नल सरफेसेस ऑफ रेवोल्यूशन, यानी कि जो टर्निंग ऑपरेशन है वो हमारा क्या है, एक मशीनिंग ऑपरेशन है, यानी कि मशीन के द्वारा किया जाने वाला एक ऑपरेशन है जिसमें हम क्या करते हैं, जो सिलेंड्रिकल सरफेस होते हैं उसके एक्सटर्नल सरफेस से हम क्या करते हैं मटेरियल को रिमूव करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि हम इस पे जो आपके सिलेंड्रिकल सरफेस है उसको जनरेट करते हैं, यानी कि अगर हमने कोई चौरस पीस लगा दिया लेथ मशीन के अंदर तो उसको सिलेंड्रिकल फॉर्म में भी ये कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इट इज़ डन बाय सिंगल पॉइंट कटिंग टूल डेट इज़ टर्निंग टूल, यानी कि ये ऑपरेशन आपका किसके द्वारा होता है, एक धारी कर्तन औजार के द्वारा होता है ये आपका। ठीक है, तो ये टर्निंग ऑपरेशन किस पर होता है, द टर्निंग ऑपरेशन इज डन बाय अ मशीन कॉल्ड लेथ मशीन, यानी कि जो आपका टर्निंग ऑपरेशन है ये किस पर होता है लेथ मशीन पर होता है। तो लेथ मशीन पर जो हम ऑपरेशन करते हैं वो टर्निंग ऑपरेशन करते हैं, और टर्निंग ऑपरेशन क्या होता है आपका, जिसमें आप किसी सिलेंड्रिकल सरफेस को जनरेट करते हैं और सिलेंड्रिकल सरफेस के ऊपर से जो मटेरियल होता है उसको रिमूव करते हैं। ठीक है, डिजायर्ड शेप लेने के लिए, यानी कि जो हमें आवश्यक जो सिलेंड्रिकल शेप है उसको लेने के लिए। ठीक है, तो लेथ मशीन क्या है अब हम देखते हैं। तो लेथ मशीन इज़ अ वर्सेटाइल मशीन टूल, यानी कि एक काफ़ी भारी भरकम मशीन औजार होता है आपका। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर रिमूवल ऑफ मेटल फ्रॉम द सिलेंड्रिकल सरफेस, यानी कि इसका उपयोग क्या होता है, ये सिलेंड्रिकल सरफेस जो होते हैं आपके, ठीक है, तो उससे मटेरियल को रिमूव करने के काम आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो आपका टूल होता है वो फिक्स होता है कहाँ पर, टूल हेड पर। ठीक है, और इसमें जो वर्क पीस होता है वो चक में लगा हुआ होता है, और चक क्या करता है आपका रोटेशन करता है, यानी कि गोल अपने एक्सिस पर गोल गोल घूमता है। ठीक है, द टूल इज़ यूज टू रिमूव द मटेरियल फ्रॉम द रोटेटिंग वर्क पीस, यानी कि जो इस पर आपका टूल है वो किस काम आता है, उसका काम क्या होता है, वो जो आपका वर्क पीस गोल गोल घूम रहा है उससे मटेरियल को बाहर निकालता है, यानी कि जो एक्सेस मटेरियल है उसको बाहर अलग कर देता है। ठीक है, जैसे आपने शॉर्पनर देखा होगा, मैं एक एग्जांपल लेकर चलता हूँ, शॉर्पनर जैसे आप पेंसिल छीनते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं पेंसिल को उसमें डालते हैं, तो कटर तो आप एक हाथ से होल्ड कर लेते हो, पेंसिल को डाल के घुमाते हो, तो पेंसिल को आप वर्क पीस मान लीजिए, और जो कटर है वो आपका क्या है एक तरीके से लेथ मशीन मान लीजिए उसको, तो आप क्या करते हो कटर में डाल के पेंसिल को गोल घुमाते हो जब वो छिलती है, सेम यही चीज़ आपकी लेथ मशीन यानी कि खराद मशीन पर होती है। ठीक है, फिर हम इसका प्रिंसिपल देखेंगे, यानी कि इसके कार्य करने का सिद्धांत, कि ये लेथ मशीन जो है आपकी यानी कि खराद मशीन ये किस सिद्धांत पर वर्क करती है।
तो इसमें हमारा क्या है, द वर्क पीस इज रोटेड अबाउट इट इट्स ऑन एक्सिस बाय लेथ एंड द मोशन इज कॉल्ड द प्राइमरी मोशन। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो हमारा वर्क पीस होता है कार्यखंड, वो अपने एक्सिस यानी कि अपने अक्ष पर घूमता है, किस पर, लेथ मशीन पर, ठीक है। और इस घूमने वाले हम गति को क्या बोल देते हैं, इसको प्राइमरी मोशन बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, जो एकधारी कर्तन औजार को हम इसमें यूज़ करते हैं, और वो कहाँ पर लगा हुआ होता है, आपका टूल पोस्ट पर लगा हुआ होता है, जो कि फिक्स्ड होता है, ठीक है। द कटिंग टूल इज सेट टू द डिजायर्ड डेप्थ ऑफ कट एंड मूव्स फॉरवर्ड एट अ यूनिफॉर्म रेट कॉजिंग अ कॉन्टिन्यूस रिमूवल ऑफ मेट चिप्स। दिस मोशन इज कॉल्ड फीड मोशन। यानी कि इसमें होता है क्या है कि जो आपका कटिंग टूल होता है उसको इस तरीके से सेट किया जाता है कि कितनी गहराई तक हमें उस पर कट लगाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि एक आपके पास 10 mm डायमीटर का एक वर्क पीस है, ठीक है। तो उस वर्क पीस से हमें क्या करना है, 1 mm मटेरियल हटाना है, तो हम इस पर फीड यानी कि डेप्थ ऑफ कट कितना लगाएंगे, 0.5 mm, ठीक है। तो हमें उतनी गहराई तक हम क्या करेंगे, वर्क पीस की गहराई तक हम उस टूल को लगा देंगे, जिसको हम डेप्थ ऑफ कट बोलते हैं। और क्या होता है कि हमारा जो मटेरियल है वो रिमूव होगा, ठीक है। तो जितना हम गहराई तक लगाएंगे यानी कि डेप्थ ऑफ कट जितना हम गहरा लगाएंगे उतना क्या होगा, उतना ज़्यादा मटेरियल उससे रिमूव होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब ये हम टूल को क्या कर देते हैं, डेप्थ ऑफ कट दे देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि जो मटेरियल जब वर्कपीस घूमेगा और वर्कपीस पर यानी कि कार्यखंड पर आपका टूल यानी कि औजार लगा हुआ है और हमने कुछ गहराई तक लगाया, तो जब ये आपका वर्कपीस घूमेगा, कार्यखंड घूमेगा, तो इस पर क्या होगा कि जो इस पर जो धातु है वो क्या होगा, धीरे धीरे बाहर की तरफ चिप्स के रूप में आने लगेगी, और ये वर्कपीस आपका, ठीक है। तो ये वर्कपीस जो होगा आप उससे आपका मटेरियल रिमूव हो जाएगा और आपको डिज़ायर्ड शेप मिल जाएगी, ठीक है। हम इस पर अब देखते हैं ऑपरेशन, जो आपकी लेथ मशीन होती है यानी कि खराद मशीन, उस पर क्या होता है, कौन कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं। तो पहला है इसमें टर्निंग ऑपरेशन किया जाता है, यानी कि घुमा करके वर्कपीस को घुमाते हैं और उस पर हम क्या करते हैं, टूल को लगा देते हैं। टूल क्या करता है, आपका कटिंग टूल या टर्निंग टूल, वो मटेरियल को उस गोलते हुए वर्कपीस से मटेरियल को रिमूव करता रहता है। सेकंड आपका थ्रेडिंग ऑपरेशन, इस पर हम क्या करते हैं, वर्कपीस जो सिलेंड्रिकल सरफेस होता है उस पर चूड़ियाँ काटते हैं। ग्रूविंग ऑपरेशन क्या होता है, इस पर हम सर्कुलर नाली बनाते हैं, यानी कि गोल शेप में आप हम क्या करते हैं, इस पर एक नाली टाइप की बना देते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, ग्रूविंग ऑपरेशन। फिर नेक्स्ट है आपका फेसिंग ऑपरेशन, यानी कि कोई आपके पास सिलेंड्रिकल पीस है और उसका जो फेस है वो आपका रफ हो रहा है, तो उसको हम सबसे पहले स्मूथ करते हैं, उसी सरफेस को हम क्या बोल देते हैं, फेसिंग। तो ये फेसिंग करने का ऑपरेशन जो होता है, यानी कि जो आपका सरफेस होता है या फेस जो होता है उसको कटिंग करने का ऑपरेशन को हम फेसिंग ऑपरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आपका नर्डलिंग ऑपरेशन, नर्डलिंग जो आपका ऑपरेशन है वो क्या होता है कि अगर कोई सिलेंड्रिकल वर्क पीस है आपके पास यानी कि सिलेंड्रिकल कार्यखंड है, तो उस पर हम क्या करते हैं, एक लाइन टाइप के इम्पोज कर देते हैं, एक डिज़ाइन इम्पोज कर देते हैं, ठीक है। तो वो डिज़ाइन इम्पोज होने के बाद क्या होता है कि ये वर्क पीस आप इसको पकड़ के आसानी से घुमा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपका बोरिंग ऑपरेशन, बोरिंग ऑपरेशन क्या होता है कि हमारे पास कोई पहले ऑलरेडी पहले से कोई छेद किया हुआ वर्क पीस है जो हमने ड्रिलिंग ऑपरेशन के द्वारा किया गया है, तो उसके डायमीटर को, ठीक है, उसके डायमीटर को बढ़ाने का जो हमारा काम होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, बोरिंग। यानी कि अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें तो बोरिंग ऑपरेशन वो ऑपरेशन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो छोटा आपका छेद होता है उसको बड़ा करने का जो ऑपरेशन होता है वही हमारा बोरिंग ऑपरेशन होता है। नेक्स्ट आपका ड्रिलिंग ऑपरेशन, ड्रिलिंग ऑपरेशन का मतलब होता है किसी वर्क पीस पर छेद करना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं टर्निंग, तो देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका टर्निंग टूल है और ये आपका वर्क पीस है, ये गोल गोल घूम रहा है आपका, ठीक है। तो ये वर्क पीस से देखिए हम मटेरियल रिमूव कर रहे हैं, ये देखिए चिप्स बाहर निकल के आ रही हैं, आपको चिप्स दिख रही होगी ये, तो ये चिप्स आपके बाहर निकल कर आ रही है और ये मटेरियल रिमूव हो रहा है, और जब मटेरियल रिमूव हो रहा है तो देखिए शाइन कर रहा है सरफेस, ठीक है। तो यही ऑपरेशन क्या होता है हमारा, टर्निंग ऑपरेशन, ठीक है। तो टर्निंग ऑपरेशन में देखिए हमने ये कुछ देखिए यहाँ पर हमने जो कट लगाया हुआ है, ठीक है, यानी कि जो टूल है ये हमने कुछ इसके अंदर इंसर्ट किया हुआ है, इसी को हम बोल देते हैं डेप्थ ऑफ कट।
नेक्स्ट है आपका फेसिंग ऑपरेशन। तो ये देखिए हम फेस, जो आपको ये फेस दिख रहा होगा, इस फेस से हम क्या कर रहे हैं, मटेरियल को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए चिप्स इससे बाहर निकल कर आ रही हैं। तो ये जो आपके सरफेस जो यानी कि इसका जो फेस है सिलेंड्रिकल वर्क पीस का, इससे मटेरियल रिमूव करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फेसिंग ऑपरेशन। नेक्स्ट है आपका नर्डलिंग ऑपरेशन। ये देखिए ये नर्डलिंग टूल है आपका, और ये नर्डलिंग टूल क्या करता है, जो इस पर डिज़ाइन है इसको इम्पोज कर देता है। देखिए ये डिज़ाइन इस पर छप गया है, तो इसी ऑपरेशन को हम क्या बोल देते हैं, नर्डलिंग ऑपरेशन। ठीक है, जब हम इस वर्क पीस को पकड़ के घुमाएंगे तो ये आसानी से पकड़ में आ जाएगा, ये हमारे हाथ से फिसलेगा नहीं। ठीक है, तो ये वर्क पीस पर हम होल्डिंग जो इसको हम पकड़ते हैं, ठीक है, आपने जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की बोतल होती हैं उस पर भी, उसके कैप पर भी इसी तरीके का डिज़ाइन बना हुआ होता है, तो जिससे कि आप उसको जब ढक्कन को पकड़ के घुमाएं तो वो खुल जाए, स्लिप ना करें, तो उसी तरीके से ये आपका एक ऑपरेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थ्रेडिंग ऑपरेशन, यानी कि ये ऑपरेशन क्या होता है, चूड़ियाँ काटने का प्रोसेस होता है। तो देखिए ये आपका टूल पोस्ट है और यहाँ पे आपका थ्रेडिंग टूल लगा हुआ है। ठीक है, और ये देखिए चिप्स बाहर निकल कर आ रही है और ये इस पर जो है आपकी देखिए चूड़ियाँ कट रही हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा थ्रेडिंग ऑपरेशन। नेक्स्ट देखते हैं हम ग्रूविंग ऑपरेशन। तो ग्रूविंग ऑपरेशन क्या होता है, देखिए ये इसमें सिलेंड्रिकल सरफेस पे राउंड आपकी जो गोल आकार में आपकी ये नाली बनी हुई है, तो इस नाली को बनाने का ऑपरेशन को हम क्या बोल देते हैं, ग्रूविंग ऑपरेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लेथ टूल, यानी कि लेथ मशीन पे आपके क्या क्या टूल्स यूज़ किए जाते हैं। तो पहले है इसमें सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ठीक है, तो सिंगल पॉइंट यानी कि एक धारी कर्तन औजार। तो एक धारी कर्तन औजार क्या होते हैं आपके, टर्निंग टूल, थ्रेडिंग टूल, ये चूड़ी बनाने के काम आता है, ग्रोविंग टूल या आपका नाली बनाने के काम आता है। ठीक है, इसके अलावा आपका बोरिंग टूल भी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, यानी कि बहु यानी कि आपका ये जो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स होता है ये क्या होता है, बहुधारी कर्तन औजार। तो इसमें क्या होते हैं आपके, नर्लिंग टूल होता है जैसे कि आप पिछले फिगर में देख चुके हैं, और आपका ड्रिलिंग ऑपरेशन, यानी कि ड्रिलिंग ऑपरेशन में जो आप टूल यूज़ करते हैं वो क्या होता है आपका, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, यानी कि बहुधारी कर्तन औजार। ठीक है, ड्रिल बिट आपने देखा होगा, ड्रिलिंग करते हैं हम लोग, तो वो इसमें हमारा फिक्स करके हम क्या करते हैं, लेथ मशीन में करके वर्क पीस के अंदर हम छेद करते हैं। ठीक है, और देखिए ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो आपके लेथ में टूल्स होते हैं किस किस मटेरियल के बने हुए होते हैं, तो ये आपको याद रखना है, हाई स्पीड स्टील का बना हुआ होता है, यानी कि उच्च वेग इस्पात का, दूसरा स्टीलाइट का, और तीसरा सीमेंटेड कार्बाइड का। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लेथ मशीन पर जो टूल यूज़ किए जाते हैं, आपसे जो एग्जामिनर वाइवा लेने आता है वो पूछ सकता है कि लेथ पे यूज़ होने वाले टूल्स का नाम बताइए, तो आप ये टूल्स बता देंगे, और वो आपसे ये भी पूछ सकता है किस मटेरियल के बने हुए हैं, तो आप ये मटेरियल भी बता देंगे। नेक्स्ट है हम इसमें देखते हैं लेथ मशीन के पार्ट्स। ठीक है, तो ये देखिए डायग्राम है हमारे पास लेथ मशीन के, देखिए जो मेन पार्ट्स हैं वो तो आपका हेड स्टॉक है, ये इतना पोर्शन जो है हेड स्टॉक है, इसके अंदर आपका गियर सिस्टम वगैरह लगा हुआ होता है, गियर पुली सिस्टम जो क्या करता है, चक को चलाने के काम आता है। ठीक है, दूसरा देखिए ये जो ये पोर्शन है ये आपका है कैरेज, इसके अंदर क्या होता है आपका टूल पोस्ट लगा हुआ होता है, कंपाउंड स्लाइड होता है, क्रॉस स्लाइड होता है, एप्रॉन लगा हुआ होता है, और ये है आपका टेल स्टॉक। ठीक है, और ये इसका बेड है, और ये इसके क्या है बेस। ठीक है, इसके बेस में इसकी लेग लगी हुई होती हैं। तो एक चीज़ आपको याद रखना है, इस डायग्राम को आप एक तो अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको रफली बनाकर आप डायग्राम के प्रैक्टिस करके ये याद रख लीजिए मशीन में कहाँ कौन पार्ट होता है, क्योंकि अगर ये आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए आता है तो आपको ये डायग्राम बना के दिखाना होगा। ठीक है, तो ये देखिए ये टूल पोस्ट है आपका। ठीक है, ये टूल पोस्ट है, यहाँ पर हम क्या करते हैं स्पैनर की हेल्प से यानी कि चाबी की हेल्प से हम इसको खोलते हैं, उसके अंदर टूल लगाते हैं, उसको कस देते हैं, तो टूल तो आपका इस जगह लगता है। फिर ये है आपका कंपाउंड स्लाइड। कंपाउंड स्लाइड का काम क्या होता है कि ये देखिए आपका हैंडल दिख रहा होगा, ये इस हैंडल को जब आप घुमाते हैं तो ये जो आपका कैरिज है ये इस डायरेक्शन में चलने लगता है। ठीक है, यानी कि मशीन जिस डायरेक्शन में है ये आपकी, ये इस तरीके से है लेफ्ट टू राइट, ये इस तरीके से मूवमेंट करने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्रॉस स्लाइड। ये क्रॉस स्लाइड किसके काम आता है, ये आपका डेप्थ ऑफ कट के लिए आता है, यानी कि कितनी गहराई तक आपको कट लगाना है, तो इसको हम क्या करते हैं, ये देखिए आपको ये लीवर दिख रहा होगा, इसको हम पकड़ के इस तरीके से घुमाते हैं, तो ये जो आपका क्रॉस स्लाइड है ये क्या करता है, इसको टूल को
या आपका जो आपका टूल है उसको क्रॉस डायरेक्शन में ले जाता है, यानी कि अगर आपकी जो आपकी लेथ मशीन है वो आपकी एक जगह पर रखी हुई है, तो ये इसके क्या करता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करता है इसको ले जाता है, इसे हम डेप्थ ऑफ कट लगाते हैं। और ये आपका जो कंपाउंड स्लाइड है इसके इससे हम क्या करते हैं फीड देते हैं मशीन को, ठीक है। तो हमारे जो तीन पैरामीटर्स होते हैं तो उनको हम कंट्रोल कहाँ से करते हैं, देखिए ये जो कंपाउंड स्लाइड है तो कंपाउंड स्लाइड की हेल्प से हम क्या करते हैं इसमें फीड देते हैं, ठीक है। यह अभी आप लास्ट में जब ये वीडियो ख़त्म होने वाला होगा उसमें देखेंगे तीन पैरामीटर्स क्या हैं। और ये देखिए ये आपका है क्रॉस स्लाइड, इसकी हेल्प से हम क्या देते हैं डेप्थ ऑफ कट। और ये हेड स्टॉक है, इसमें क्या होता है मोटर लगी हुई होती है जो इसको चलाती है, यहाँ से हम क्या कर देते हैं स्पीड, ठीक है। तो इसके लेथ मशीन के पार्ट्स देखते हैं, तो इसके जो बेसिक पार्ट्स हैं वो हमारा बेड है, हेड स्टॉक है, टेल स्टॉक है और कैरिज है, ठीक है। लेग्स हमारे जो होते हैं ये इसके नीचे होते हैं, ये भी इसके मेन पार्ट्स में आते हैं, ठीक है। इसके मशीन पार्ट्स देख लेते हैं, सबसे पहले हम बेस को देखते हैं। जो बेस है वो आपका किसका बना हुआ होता है कास्ट आयरन, यानी कि ढलवे लोहे का बना हुआ होता है। और ये क्या करता है जो बेस होता है इस पर सारा मशीन का लोड होता है, ठीक है। जितना भी मशीन के अंदर लोड है वो इसी के ऊपर टिका हुआ होता है। और क्या होता है इस पर जितने भी प्रकार के आपके फोर्स हैं यानी कि बल लग रहे होते हैं, जैसे आपका कर्तन बल लग रहा है इस पर, मशीन जो चल रही है ठीक है उसका लोड कुछ पड़ रहा है, कटिंग करते हुए का जो लोड है वो पड़ रहा है, मतलब ओवरऑल जितना भी इस पर फोर्स पड़ता है वो बेस के ऊपर पड़ता है, ठीक है। इसको हम हिंदी में आधार बोल देते हैं बेस को। नेक्स्ट है आपका बेड, ठीक है। तो बेड क्या होता है, बेड के ऊपर ही आपका जितना भी आपका हेड स्टॉक है, टेल स्टॉक है, कैरिज है, ये सारे बेड के ऊपर लगे हुए होते हैं इसके, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो लेथ मशीन का बेस है ये आपका कास्ट आयरन का इसलिए बना हुआ होता है क्योंकि कास्ट आयरन के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से जितना भी वाइब्रेशन होता है, क्योंकि देखिए इसमें मोटर लगी हुई है, कटिंग भी हो रहा है तो वाइब्रेशन होगा इसमें, तो वो इस वाइब्रेशन को कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहा क्या करता है एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इस मशीन में कंपन नहीं होता। और कंपन ना होने की वजह से क्या होगा, जो टूल जिस पॉइंट पर वर्कपीस के लगा हुआ है उसी पॉइंट पर कटिंग करेगा, क्योंकि अगर वाइब्रेशन करेगा तो वो टूल और वर्कपीस हिलेंगे तो हमारी कटिंग अच्छी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये हमारा इसलिए कास्ट आयरन का बनाया जाता है कि ये वाइब्रेशन को डंप कर सके, वाइब्रेशन को सोख सके, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है इसकी लेग्स, तो लेग्स क्या होता है कि लेग्स पर ये सारी मशीन टिकी हुई होती है, ठीक है। फिर हम इसका कैरिज देखते हैं, तो ये कैरिज होता कहाँ पर है, इट इज़ लोकेटेड ऑन द बेड रेल बिटवीन हेड स्टॉक एंड टेल स्टॉक, यानी कि जो इसका बेड होता है, बेड के एक तरफ क्या होता है आपका हेड स्टॉक और दूसरी तरफ टेल स्टॉक, तो ये टेल स्टॉक और आपके हेड स्टॉक के बीच में लगा हुआ होता है, किस पर बेड रेल पर। दूसरा क्या है, इस पर एक आपका कैरिज लॉक स्क्रू लगा हुआ होता है जिससे कि आप इसकी पोजिशन को लॉक कर सकते हो, यानी कि अगर आपने इसको लेफ़्ट ले जाना है तो आप लेफ़्ट ले जाइए, राइट ले जाना है तो राइट ले जाइए, और कहीं पर फिक्स करना है तो इस पर क्या होता है आपका एक कैरिज लॉक स्क्रू होता है जिसको आप घुमा देते हैं, घुमाने से वहीं का वहीं फिक्स हो जाता है, फिर इसका मूवमेंट नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसके कुछ पार्ट्स होते हैं आपके कैरिज के, तो एक इसमें एप्रॉन होता है, सैडल होता है, कंपाउंड रेस्ट होता है, क्रॉस स्लाइड होता है, और आपका टूल पोस्ट। टूल पोस्ट पे क्या होता है आपका जितने भी आपके टूल्स होते हैं, नर्डलिंग टूल है, ग्रूमिंग टूल है, टर्निंग टूल है, ये सारे टूल्स आपके इस टूल पोस्ट पर हम लगाते हैं। तो टूल पोस्ट कहाँ पर लगा हुआ होता है आपका कैरेज पर। नेक्स्ट है आपका टेल स्टॉक, ठीक है। तो इट इज़ अ मूवेबल पार्ट लोकेटेड अपोजिट टू द हेड स्टॉक ऑन द बेड रेल, यानी कि ये क्या होता है, ये टेल स्टॉक जो होता है मूवेबल हो सकता है, इसको आप बेड के ऊपर स्लाइड करके आगे पीछे ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर लगा हुआ होता है, जो आपका हेड स्टॉक होता है उसके जस्ट अपोजिट लगा हुआ होता है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसका काम क्या होता है, इट सपोर्ट फ्री एंड्स ऑफ द जॉब ड्यूरिंग ऑपरेशन, यानी कि अगर कोई आपका लंबा वर्क पीस है तो उसको क्या होगा, क्योंकि जो लंबा पीस होगा जैसे आपने सरिया देखा होगा वो लंबी होती है तो नीचे की तरफ झुक जाती है, ठीक है, लेकिन अगर कोई छोटी सरिया है तो वो झुकती नहीं है। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि आपका ये लेथ मशीन पर अगर कोई लंबा आपका वर्क पीस है, ठीक है, उसको आपने एक तरफ से होल्ड कर दिया है किसमें, चक में, लेकिन दूसरी तरफ वो क्या रहेगा, लटका रहेगा, तो उसको सपोर्ट करने के लिए क्या होता है ये आपका यूज़ किया जाता है, ठीक है। इट होल्ड द टूल फॉर कैरिंग आउट सर्टेन ऑपरेशन लाइक ड्रिलिंग, रिमिंग एंड टेपिंग एक्सेट्रा। देखिए ड्रिलिंग ऑपरेशन क्या होता है, छेद करना, रिमिंग ऑपरेशन क्या होता है, चिकना करना, और टैपिंग ऑपरेशन क्या होता है, चूड़ियाँ काटना, ठीक है।
तो ये तीनों ऑपरेशन के लिए एक टूल यूज़ किए जाते हैं। वो टूल को हम क्या कर देते हैं, टेल स्टॉक में फिक्स कर देते हैं, ठीक है। और इस टेल स्टॉक में फिक्स करने के बाद उसको स्लाइड करके हम क्या करते हैं, चक के पास ले आते हैं जहाँ पे आपका वर्क पीस होता है, और जहाँ हमें छेद करना होता है उसमें, तो हम छेद करना है या रिमिंग करना है आपको या टैपिंग करना है, वहाँ ले जाके हम क्या कर देते हैं, इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं। और इसमें क्या होता है आपका टेल स्टॉक के थ्रू ही हम उसमें फीड देते हैं, और फीड देने पर क्या होता है, ये ड्रिलिंग ऑपरेशन है, यानी कि छेद करना है तो छेद हो जाएगा, रीमिंग यानी कि चिकना करना है तो चिकना हो जाएगा, टैपिंग यानी कि चूड़ियाँ काटनी है तो वो कटती चली जाएंगी आपकी। तो ये इस काम आता है आपका टेल स्टॉक। नेक्स्ट है आपका हेड स्टॉक, ठीक है। तो हेड स्टॉक में क्या होता है, जिसमें भी जितना भी इसमें आपका ट्रांसमिशन सिस्टम होता है वो सारा क्या होता है आपका हेड स्टॉक में होता है। और दूसरी बात कि जो हेड स्टॉक में हमारा क्या होता है, चक लगा हुआ होता है, तो चक भी जो है वो किसका पार्ट है आपके, हेड स्टॉक का। चक में हम क्या करते हैं, चक में हम वर्क पीस को यानी कार्यखंड को हम लगाते हैं। चक का काम क्या होता है, वो उसको होल्ड करता है और उसको घुमाता है, ठीक है। वर्क पीस को घुमाने के लिए चक का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, ट्रांसमिटर सिस्टम मतलब यानी कि हम एक लेथ मशीन में आपने देखा होगा कि उसमें एक मोटर लगी हुई होती है, मोटर चलती है तो डायरेक्ट आपकी चक से कनेक्टेड नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि इसको इतना टॉर्क नहीं मिल पाएगा, आघूर्णन बल नहीं मिल पाएगा। उसके लिए या तो हमें गियर सिस्टम लगाना होता है या पुली सिस्टम, ठीक है। तो मोटर से क्या होता है, हम मोटर को लगाते हैं, मोटर पे एक पुली होती है जो दूसरी पुली को चलाती है बाय बेल्ट, बेल्ट लगाकर। और वो पुली जो होती हैं उनसे क्या होता है आपका चक जो है वो कनेक्टेड होता है। तो चक जो कनेक्टेड होता है वो डायरेक्ट ना चल के क्या करता है, पुली के थ्रू चलता है या गियर सिस्टम के थ्रू चलता है। तो ये सारा सिस्टम आपका हेड स्टॉक में होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका चक। तो चक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर आता है तो पूछ लेता है कि भाई चक क्या होता है। तो आपको ये याद रहना चाहिए कि चक जो है वो एक होल्डिंग डिवाइस है, यानी कि एक जकड़ने वाला औजार है, ठीक है। इट इज़ यूज टू रोटेट द वर्क पीस इन लेथ मशीन। इसका काम क्या होता है, एक तो टूल को होल्ड करना यानी कि वर्क पीस या टूल को होल्ड करना, और दूसरा क्या होता है, जो वर्क पीस है उसको गोल गोल घुमाने का काम भी क्या करता है, चक ही करता है। अब प्रेजेंट कहाँ पर होता है, मतलब ये चक पाया कहाँ जाता है, तो ये हेड स्टॉक में प्रेजेंट होता है, यानी कि जो आपका हेड स्टॉक होता है लेथ मशीन का उसके अंदर ये फिक्स होता है, मतलब ये स्पिंडल के थ्रू लगा हुआ होता है और गोल गोल घूमता है, ठीक है। तो हम चक्स के बारे में देखते हैं। तो देखिए ये आपको इसमें फ़ोटो में दिख रहा होगा, ये चक है, ठीक है। तो चक की शेप देखिए, जो लेथ में चक होते हैं गोल होते हैं, और देखिए इसमें तीन जबड़े बने हुए हैं, एक जबड़ा ये है, एक जबड़ा ये है और एक जबड़ा ये है। ये देखिए यहाँ पे आप एक ये जो होल देख रहे हैं, इस होल में हम चक की लगाकर चाबी लगाकर इसको घुमाते हैं, तो ये तीनों जो आपको ये जबड़े दिख रहे हैं, ये जबड़े आगे अंदर की तरफ आते हैं और यहाँ पे हम वर्क पीस को लगा देते हैं और इसको ये इसको होल्ड कर लेते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं हम टाइप्स ऑफ चक्स, यानी चक कितने प्रकार के होते हैं। तो एक तो होता है आपका फोर-जॉ इंडिपेंडेंट चक, ठीक है, और दूसरा होता है आपका 3-जॉ यूनिवर्सल चक, ठीक है। तो 4-जॉ इंडिपेंडेंट चक क्या होता है, इसमें जितने भी जबड़े होते हैं, जॉज होते हैं, वो इंडिपेंडेंट हमको सेट करने पड़ते हैं। लेकिन 3-जॉ यूनिवर्सल चक में क्या होता है, जो इसके जबड़े होते हैं, अगर आप किसी एक जबड़े को घुमाकर चक्की लगाकर घुमाते हैं तो तीनों जबड़े एक साथ चलते हैं, ये वर्क पीस को एक साथ होल्ड कर लेते हैं। तो एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा बेटर है, 4-जॉ इंडिपेंडेंट चक या 3-जॉ यूनिवर्सल चक। तो आपको याद रखना है कि हमारा अगर होल्डिंग पावर देखी जाए तो 4-जॉ इंडिपेंडेंट चक की ज़्यादा होती है, ठीक है। अब इसकी होल्डिंग पावर कैसे ज़्यादा होती है, एक तो इसमें 4 जबड़े होते हैं, और 3-जॉ चक में यूनिवर्सल जॉइंट चक में क्या होता है आपका 3 जबड़े होते हैं, तो 3 जबड़े इतनी पकड़ नहीं बना पाते जितनी 4 बना पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, हमारा होल्डिंग पावर में अगर देखी जाए तो हमारा 4-जॉ इंडिपेंडेंट चक बहुत अच्छा है, ठीक है, ये बेटर है। 3-जॉ चक हमारा किस केस में बढ़िया है कि अगर बाई चांस को एक नया आदमी है वो इस पर वर्क पीस लगाने के लिए बोला जाए उसको, तो आएगा वर्क पीस लगाएगा और किसी भी जॉ को कसेगा तो सारे जॉ कस जाएंगे और ये सेंटर में अपने आप वर्क पीस जो है वो सेंटर में लग जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो ये जो अनएक्सपीरियंस लोग होते हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी, इसमें कॉम्बिनेशन चक, कॉलेट चक, ड्रिल चक, हाइड्रोलिक चक, न्यूमेटिक चक। मैं इन दोनों हाइड्रोलिक चक और आपका जो ये है न्यूमेटिक चक, इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये दोनों प्रकार के जो चक हैं ये CNC मशीन में
इस्तेमाल होते हैं, यानी कि जो आपके सीएनसी लेथ है उस मशीन में इनका यूज़ होता है। देखिए जो हाइड्रोलिक चक है इसमें क्या होता है, हाइड्रोलिक फ्लूड यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, इनकी ऑयल्स वगैरह का आप यूज़ करते हैं। और ये न्यूमेटिक चक क्या होते हैं, इसमें एयर प्रेशर का यूज़ करते हैं वर्क पीस को होल्ड करने के लिए, यानी कि जो आप जॉज जो जबड़े हैं इसके चक के, उनको हम क्या करते हैं, या तो चाबी से घुमाते हैं आगे, तो उसमें क्या होता है हाइड्रोलिक चक में फ्लूड्स का यूज़ करके, तेल वगैरह का यूज़ करके आप क्या करते हैं उस पर पावर लगाते हैं और वो वर्क पीस को टाइटली होल्ड कर लेता है। इसमें न्यूमेटिक जो चक है आपका, इसमें एयर प्रेशर के द्वारा हम क्या करते हैं जबड़ों पर दबाव बनाते हैं पकड़ने के लिए। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक चक, ठीक है, इसमें चुंबकीय चक होता है, यानी कि इसमें जो होल्डिंग पावर होती है वो किसके द्वारा होती है, चुंबक के द्वारा, ठीक है। तो ये देखिए हमारा, ये हमारा थ्री जॉ यूनिवर्सल चक है, ठीक है, इसमें देखिए थ्री जॉज हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं चाबी लगाते हैं, यानी जिसको हम चक की बोलते हैं, अगर हम इसको यहाँ से पकड़ के घुमाएंगे तो तीनों के तीनों एक साथ ही आगे बढ़ेंगे और वर्क पीस को होल्ड कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है ये हमारा फोर जो इंडिपेंडेंट चक, देखिए इसमें चक इसके लिए अलग, यहाँ पे की लगाने के लिए स्पेस है, ऐसे यहाँ पर है, ऐसी इसमें और ऐसी इसमें। तो हमें क्या करना होता है कि वर्क पीस को हम यहाँ लगाते हैं और यहाँ से अगर हम इसको चक्की लगाकर घुमाएंगे तो ये खाली ये वाला जबड़ा आगे की तरफ बढ़ेगा, इसमें लगाएंगे तो ये बढ़ेगा, इसमें लगाएंगे तो ये बढ़ेगा और इसमें लगाएंगे तो ये बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे दो प्रकार के चक हैं जो जनरली किसी भी लेथ मशीन में मिलते हैं आपको। थर्ड टाइप है ये देखिए मैग्नेटिक चक, इसको हम पावर किससे देते हैं, होल्डिंग करने के लिए बाय मैग्नेट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लेथ मशीन, यानी कि लेथ मशीन कितने प्रकार की होती हैं। तो पहला है आपका कैपस्टन एंड टरंट लेथ, सेकेंड है इंजन लेथ, थर्ड है आपका स्पीड लेथ, फोर्थ है आपका बेंच लेथ, फिफ्थ है आपका ऑटोमेटिक लेथ, फिर नेक्स्ट है आपका सीएनसी लेथ, नेक्स्ट है आपका टूल रूम लेथ और लास्ट में आपका स्पेशल पर्पस लेथ, ठीक है। तो बहुत से बच्चों को ये लेथ मशीन के प्रकार याद नहीं रहते, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे कि आप इस ट्रिक का यूज़ करके इस लेथ मशीन की ट्रिक आप उम्र भर ज़िंदगी भर आप याद रख सकते हैं। तो देखिए इसको आप ऐसे याद रखिए, कैप्टन एंड टरंट लेथ को, यानी कि एक कैप्टन था, टरंट को आप ट्रेन मान लीजिए, यानी कि एक कैप्टन था वो ट्रेन में बैठा, ट्रेन में बैठने के बाद उसने क्या किया, वो इंजन में बैठा, इंजन में बैठने के बाद उसने इंजन चलाया और उसको स्पीड दे दी, ठीक है। स्पीड दे के वो आराम से अपनी बेंच पर यानी कि सीट पर बैठ गया, उसने देखा कि ट्रेन ऑटोमेटिक चल रही है, ठीक है। फिर अचानक क्या हुआ कि सीएनजी ख़त्म हो गई, ठीक है, तो यहाँ आप सीएनजी को सीएनसी से कर लीजिएगा, यानी कि कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल लेथ, यानी कि सीएनसी लेथ, ठीक है। सीएनजी ख़त्म हो गई तो उसने क्या किया, सीएनजी डालने के लिए कुछ टूल्स वगैरह लिए और टूल्स को रूम से लेकर आया, ठीक है, जो उसके कैबिन था अपने घर से या कहीं से, वहाँ से अपने पहले लेकर आया, टूल लेकर आया रूम पे जाकर, और वहाँ से टूल लिया और स्पेशल तरीके से उसने क्या किया, उन टूल का यूज़ करके इसमें सीएनजी डाली और फिर ये ट्रेन जो है आपकी चल दी। तो ये आपकी ट्रिक है, इसको ट्रिक के द्वारा आप लेथ मशीन को जो आपके टाइप्स हैं प्रकार हैं इनको याद कर सकते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, एक कैप्टन था, ठीक है, जो ट्रेन में बैठा और ट्रेन चलाने के लिए वो इंजन में बैठा, ठीक है, तो इंजन को उसने स्पीड से चला दिया, ठीक है, स्पीड से चलाने के बाद वो क्या किया, अपने बेंच पे जाके आराम से बैठ गया, उसने देखा कि ट्रेन ऑटोमेटिक चल रही है, लेकिन कुछ देर बाद क्या उसकी सीएनजी ख़त्म हो गई, यानी कि सीएनसी लेथ उसकी सीएनजी ख़त्म हो गई। फिर वो अपने घर से टूल लेकर आया, ठीक है, अपने रूम में गया और वहाँ से टूल लेकर आया, यानी कि टूल रूम लेथ, ठीक है, और उसने फिर क्या किया, अपने स्पेशल तरीके से, ठीक है, वो सीएनजी उसमें डाल दिया और वो ट्रेन दोबारा से चलने लगी। तो ये आपके ट्रिगर से आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हम इसके लेथ मशीन के पैरामीटर्स देखते हैं, यानी कि लेथ मशीन जो है वो किस किस पैरामीटर पर वर्क करती है, यानी कि किस किस सिद्धांत पर वो चलती है, या कहने का मतलब ये है कि उसको चलाने के लिए लेथ मशीन को जो हमारे स्पेशल कुछ कंडीशंस होती हैं तो वो हमारी क्या क्या होती हैं। तो देखिए इसमें थ्री पैरामीटर्स होते हैं, पहला होता है हमारा कटिंग स्पीड, ठीक है। तो ये कटिंग स्पीड क्या होती है कि जिस स्पीड से इस पर कटिंग की जाती है, और जनरली ये आप किससे डिनोट करते हैं कि जो आपका चक है वो अपने एक्सिस पर यानी कि अपने अक्ष पर कितनी तेज़ी से घूम रहा है, तो वही क्या होती है लेथ मशीन की कटिंग स्पीड होती है। और इसको हम किस चीज़ से एक्सप्रेस करते हैं, आरपीएम से, यानी कि रोटेशन पर मिनट से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये जो स्पीड होती है किसकी होती है, चक कितनी तेज घूम रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें क्या है हमारा फीड,
तो फीड क्या होता है हमारा, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टूल पैरेलल टू द वर्क पीस एंड इट इज़ डोनोटेड इन मीटर पर मिनट। यानी कि क्या होता है, फीड क्या होती है हमारी, कि ये जो हमारा टूल पोस्ट है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, या जो आपका टूल है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है पैरेलल टू द वर्क पीस, यानी कि वर्क पीस के पैरेलल में कितना डिस्टेंस से ट्रेवल करता है। तो इसको हम किससे एक्सप्रेस करते हैं, मीटर पर मिनट में, यानी कि एक मिनट में इसने कितनी दूरी तय की। फिर नेक्स्ट है आपका डेप्थ ऑफ कट, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ कट क्या होता है आपका, इट इज़ द टूल एडवांस परपेंडिकुलर इन दी वर्क पीस, यानी कि जो हमारा टूल है वो वर्क पीस के अंदर कितना एडवांस हो रहा है, यानी कि कितने अंदर तक जा रहा है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, डेप्थ ऑफ कट। तो कटिंग हमारी जब ही पॉसिबल है जब हम कुछ डेप्थ ऑफ कट देंगे, अगर हम डेप्थ ऑफ कट जीरो रखेंगे तो हमारा वर्क पीस कट ही नहीं पाएगा, कार्यखंड हमारा कटिंग ही नहीं हो पाएगा। तो इसको हम किससे एक्सप्रेस करते हैं, एमएम से, मिलीमीटर से। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और प्लीज़ कमेंट कीजिए अगर आपको पसंद आया, आप किसी और नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक करें।